गमलों में अगर हो गई है बहुत ज़्यादा खरपतवार तो उसे बारिश से पहले ज़रूर से हटा दें, वरना आपके पौधे उससे सड़ सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा जब हमारे गमलों में खरपतवार उग जाती है तो इसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है और हमारा जो मेन प्लांट है वो पूरी तरह से पोषण नहीं ले पाता है जो भी हम खाद फर्टिलाइज़र देते हैं। तो इसे निकाल लीजिए, अगर इसे बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हैं तो निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब छोटी छोटी सी खरपतवार उगती है ना, उसी टाइम पर थोड़ा सा ध्यान रखकर अगर आप इसे निकाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ने पर हमें इसे निकालने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और जब हम इसे निकालते हैं तो काफ़ी सारे गमले की मिट्टी ये लेकर के निकलती हैं, एक तरह से हमारे गमले की गुड़ाई भी हो जाती है, लेकिन कई बार खरपतवार इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, फैल जाती है कि पूरे गमले की मिट्टी को लेकर वो निकलती है, जिससे हमारा पूरा जो पौधा है उसे हमें सारी मिट्टी निकालनी पड़ती है और दोबारा से रिपोर्ट करना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम को अगर आप फेस कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि पहले से ही जो खरपतवार अगर छोटी छोटी सी उग रही है तो उसे निकाल दें। और जब भी आप खरपतवार निकालते हैं तो ध्यान रखें कि पहले गमले में पानी दें, अच्छे से पानी देने के बाद में ही आप निकालें, क्योंकि सूखी मिट्टी में इसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मिट्टी अगर गीली रहेगी तो बहुत आसानी से आपके खरपतवार निकल जाएगी। तो ये देखिए, एक तरह से हमारे जो पौधा है, गमला है, उसकी गुड़ाई हो गई है। तो अब आप इसमें एक्स्ट्रा दूसरी मिट्टी को लेकर उसमें गोबर की खाद मिलाइए और अपने प्लांट में गमले में दीजिए, इससे आपका पौधा जो है वो एक अच्छी ग्रोथ पर आ जाएगा। और अब बारिश स्टार्ट होने वाली है तो बारिश में आप ध्यान रखें कि अपने गमलों में मिट्टी बहुत ज़्यादा ऊपर तक ना भरें, करीबन 1 से 1.5 इंच तक का गमला खाली रखें।